हेलो गाइस, आप सभी का YT योर इंग्लिश ट्यूटर चैनल पर वेलकम है। मेरा नाम है अंशुल शर्मा एंड आई एम अ पार्ट ऑफ अमन सर्स टीम एंड मैं आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करूंगी। सो जल्दी से मैं अपना शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रो दे देती हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड आई हैव क्लियर सेवरल बैंकिंग एग्जाम्स लाइक RRB क्लर्क, IBPS PO, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, PNB क्रेडिट ऑफिसर, IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर एंड अवेटिंग फॉर माई फाइनल सिलेक्शन। ऑल्सो आई हैव 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट से बात करेंगे, देन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करें। एलिगेशन पूरा हमारे रेशियो पर बेस्ड है एंड मिक्सर एंड एलिगेशन से हम प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। पहले हम इसमें मिक्सर की बात करेंगे, देन एलिगेशन की बात करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमें बोला है 20 लीटर मिक्सर है। ये इस मिक्सर में मिल्क एंड वाटर है और इस मिल्क एंड वाटर का हमें रेशियो दे रखा है 4:1। मीन्स 20 लीटर हमारे पास कंप्लीट मिक्सचर है, उसमें हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, 4 पार्ट मिल्क है, 1 पार्ट हमारे पास वाटर है। तो 20 लीटर में से हम ये बता सकते हैं कि कितना हमारे पास मिल्क एंड कितना वाटर है। टोटल हमें कंप्लीट कितना दे रखा है, 20। मिल्क एंड वाटर का 4+1 ऐड करेंगे तो कितना आया, 5। 5 से इसको कट किया कितना आया, 4। मतलब हमें एक पार्ट की वैल्यू पता चल गई, 4। कंप्लीट इसमें मिल्क कितना दे रखा है, 4। इसमें 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 4। इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। ऐसे ही हम वाटर पता कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया 4। 4 × 4 16, या क्या बोलो। मीन्स हमारे पास 16 लीटर मिल्क है और 4 लीटर हमारे पास वाटर है, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि मैं इसमें 20 लीटर और मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, या फिर मैं ये बोलूँ कि 40 लीटर मैंने और मिक्सचर ऐड किया, तो क्या मिल्क एंड वाटर का रेशियो चेंज होगा? कभी नहीं होगा। चाहे मैं इसमें कितना भी लीटर मिक्सचर ऐड करूं या रिमूव करूं, अगर मैं मिक्सचर की बात कर रही हूं तो कितना भी ऐड करूं, कितना भी मैं इसमें रिमूव करूं, बट वो क्या रहेगा रेशियो मिल्क एंड वाटर का, हमेशा सेम रहेगा। इसमें बोलूं मैं 40 लीटर मिक्सचर और ऐड कर रही हूँ तो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो चेंज होगा? मिल्क एंड वाटर का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, जो हमें रेशियो गिवन है वही रहेगा। मैं कितना भी लीटर इसमें मिक्सचर ऐड कर दूँ, इसमें मैं 100 लीटर ऐड कर दूँ, 120 लीटर ऐड कर दूँ, बट हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें रिमूव करूँ तो किस रेशियो में रिमूव करूंगी, जो हमें रेशियो गिवन है उसी रेशियो में मैं इसमें से मिल्क एंड वाटर रिमूव करूंगी। जब तक हमें ये ना बोले कि हम प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं या वाटर हम इतना ऐड कर रहे हैं, तभी हमारा रेशियो चेंज होगा। अगर इसमें ये ना बोला होता, अगर 20 लीटर है उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि हम प्योर मिल्क रिमूव कर रहे हैं, 5 लीटर प्योर मिल्क हमने रिमूव किया, तभी हमारा रेशियो चेंज होगा, अदरवाइज हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। मेरे पास कितना है मिल्क, 16 लीटर है, वाटर कितना है, 4 लीटर है। अब इसमें हमें बोला है कि हमने 5 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया है, तो हमारे पास 16 क्या है, 16 लीटर मिल्क है, इसमें हमने 5 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 21। वाटर तो हमने ऐड किया ही नहीं है, तो वाटर तो जितना है उतना ही रहेगा, 4। तो यहाँ कितना हो गया, 21:4, ये हमारा क्या हो गया, नियर रेशियो हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ चेंज हो गया। अगर ये बोले कि हमने इतना लीटर मिक्सचर ऐड किया है तो हमारा मिल्क एंड वाटर, तो हमारे मिल्क एंड वाटर के रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर बोलते हैं कि इतना मिल्क ऐड कर रहे हैं, इतना वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:6। इसमें बोलते हैं जब हम इसमें 21 लीटर ऐड करते हैं तो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो जाता है 5:9, ठीक है। हमें किसका रेशियो गिवन है, मिल्क एंड वाटर, पहले कितना है 5:6, फिर 21 लीटर वाटर ऐड करने के बाद कितना हो जाता है रेशियो हमारा, 5:9। हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क तो ऐड कर नहीं रहे, तो मिल्क हमारा जितना पहले होना चाहिए उतना ही बाद में होना चाहिए, तो मिल्क हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो पहले भी 5 है, बाद में भी 5 है, भी 5, तो मिल्क हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर पहले हमारा 6 था, अभी कितना हो गया, 9, तो ये कितना इंक्रीज हो गया, 3। बट क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें 21 लीटर और ऐड किया है, तो 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21 लीटर, ये कितने टाइम से आएगा, 7। अब हमें इसमें पूछा कि इसमें वाटर मिल्क कितना है, तो हमें 1 पार्ट की वैल्यू पता चल गई, 7। तो इसमें हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 7 में, तो
और हमें मिल्क पता चल गया कितना, 35 लीटर इसमें मिल्क है। अब हम एलिगेशन की बात करेंगे। इसमें दो अलग अलग चीजों को मिलाकर हम एक चीज बनाते हैं, उसको हम एलिगेशन बोलते हैं। लाइक हमारे पास ए टाइप की शुगर है, एक हमारे पास बी टाइप की शुगर है। ए टाइप की शुगर की कॉस्टिंग हमारे पास 40 रुपीज़ kg है, बी टाइप की शुगर की कॉस्टिंग हमारे पास 70 रुपीज़ kg है। तो अभी कोई कस्टमर है, एक शॉपकीपर के पास जाता है, उसके पास वो ए टाइप की शुगर देखता है, वो 40 रुपीज़ kg होती है, और जो बी टाइप की शुगर होती है वो 70 रुपीज़ kg होती है। 40 रुपीज़ kg उसके लिए बिलो होती है, उसको इस वाली क्वालिटी में, ये वाली क्वालिटी उसको अच्छी नहीं लगती। और जो बी टाइप की जो शुगर है उसकी रेट्स उसके लिए हाई है। तो जो शॉपकीपर क्या करता है, दोनों टाइप की जो शुगर रहती है, जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, जो ए टाइप की शुगर है बी टाइप की शुगर है दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर रेडी करता है, वो होता है 50 रुपीज़ kg। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक वो नया मिक्सचर रेडी करता है 50 रुपीज़ kg। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलिगेशन। अब इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक हमारा 40 रुपीज़ kg हो गया, एक हमारा 70 रुपीज़ kg हो गया, और जो न्यू मिक्सचर बनाया वो हमारा 50 रुपीज़ kg हुआ। जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हमें छोटी वैल्यू हमेशा लेस करनी रहेगी। तो 70 में से 50 लेस किया कितना आया, 20। 50 में से 40 लेस किया तो कितना आया, 10। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 2:1। ये हमेशा इनकी क्या है, ये इनकी हमेशा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ठीक है, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। यहाँ हमें वैल्यू चाहे रुपए में गिवन हो, परसेंटेज में गिवन हो, किसी भी फॉर्म में यहाँ हमें वैल्यू गिवन हो, बट जो यहाँ हमारे पास आएगा वो हमेशा इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ऐसा नहीं है कि एक की जो क्वांटिटी है वो यहाँ से पता चलेगी क्योंकि ये क्रॉस में गया है, बी की यहाँ से पता चलेगी, ऐसा नहीं है। एक की जो इधर रहेगी वो एक ही रहेगी, और जो इस साइड रहेगी वो बी की रहेगी। तो हमने जो न्यू मिक्सचर रेडी किया उसमें ए टाइप की कितनी शुगर डाली है, 2 kg, और जो बी टाइप की डाली है वो 1 kg। अभी हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक डिस्कस कर लिया, अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 20 रुपीज़ kg एंड 25 रुपीज़ per kg रिस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ 23 per kg। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास टू टाइप्स के पल्सेस हैं, एक है 20 रुपीज़ per kg वाली, एक है 25 रुपीज़ per kg वाली, बट हमने इससे मिला के एक क्या मिक्सचर रेडी किया है, 20 रुपीज़ वाली का और एक 25 रुपीज़ वाली का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमने जो 23 रुपीज़ per kg में जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसमें हमने 20 रुपीज़ kg वाली कितनी पल्सेस ली है और 25 रुपीज़ kg वाली कितनी केजी पल्सेस ली है। ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, कुछ नहीं है। पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप एंड देन सेकंड टाइप। फर्स्ट कितना बोला है हमें, 20, और सेकंड कितनी है, 25 रुपीज़ kg, और जो हमने थर्ड रेडी किया वो कितना है, 23 रुपीज़। अभी मैंने इसको सॉल्व करना बताया था, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम छोटी लेस करेंगे। 25 में से हमने 23 लेस किया कितना आया, 2, और 23 में से हम 20 लेस करेंगे कितना आया, 3। तो हमें इन दोनों का रेशियो पता चल गया। जो हमारी फर्स्ट टाइप की पल्स थी वो हमने कितने लिए, 2 kg, और जो हमारी सेकेंड थी वो हमने कितने लिए, 3 kg, 2:3, जो इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, आ मिक्सचर कंटेन 80% ऑफ जिंक एंड अदर मिक्सचर कंटेन 65% ऑफ जिंक इन ऑर्डर टू गेट 70% ऑफ जिंक इन व्हाट रेशियो दिस टू मस्ट बी। एक मिक्सचर गिवन है उसमें कितना जिंक दे रखा है, 80%, और जो सेकंड मिक्सचर है उसमें कितना जिंक है, 65%। इसको 70% बनाने के लिए हम इन दोनों से कितना रेशो में इन दोनों से मिलाएं कि हमारा 70% जिंक रेडी हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमें कितना गिवन है, फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है 80%, और सेकेंड वाले में कितना दे रखा है, 65%, और हम बना कितना रहे, 70%। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, हम यहाँ ये तीनों वैल्यू ले रहे हैं ये सेम होनी चाहिए, यहाँ जिंक है, यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी जिंक है। ठीक है, तो हमने तीनों उसी की वैल्यू ली है। अब यहाँ जिंक होता, यहाँ शुगर होता और यहाँ जिंक होता तो हम ये तीनों वैल्यू नहीं लेने दे सकते थे, यहाँ हमारी सारी सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा एक वैल्यू से छोटी रहेगी, एक वैल्यू से बड़ी रहेगी।
ठीक है, एक वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रहेगी, एक हमेशा इससे छोटी रहेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 70 - 65 करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को लेस करेंगे। 70 - 65 किया कितना आया? 5%। 70 में से 80 में से 70 को लेस किया कितना है? 10%। इसको कट कर देंगे कितना आ गया? 1:2। और हमेशा ये किसका रेशियो आता है? क्वांटिटी का। तो ये हमें फर्स्ट वाले का पता चल गया, इसमें 1 है और सेकेंड वाले का कितना है? 2। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹50 अ केजी एंड ₹55 अ केजी सो दैट बाय सेलिंग दी मिक्सचर एट ₹58.30 अ केजी ही मे गेन 10%। एक ग्रोसर है, उसके पास टू टाइप की उसके पास टी है। एक उसके पास है ₹50 केजी वाली, एक है ₹55 केजी वाली। और उसमें ये बोला है कि अगर वो 58.30 में सेल करता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 50 हमें क्या दे रखी है? उसकी कॉस्ट दे रखी है। यहाँ 55 भी है उसकी कॉस्ट गिवन है, बट 58.30 में वो सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10% का। ठीक है, 10% का प्रॉफिट मतलब 10 उसकी क्या है? कॉस्ट। उसपे ₹10 पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ₹1 का। तो मतलब उसकी एसपी कितनी होगी? 11। अब यहाँ पे हम कर दें, ये हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 11। और निकालनी क्या है उसकी? हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ये पॉइंट को हटाए, पॉइंट के पास कितने डिजिट है? 2। तो यहाँ 2 0 आ गए। एक से इसको कैंसिल किया, एक से इसको कैंसिल किया, 11 से इसको कट किया। 11 5 55, 3 बजे, 11 3 33। अब ये हमारी कॉस्ट पता चल गई, ये भी हमें कॉस्ट गिवन है, ये भी कॉस्ट गिवन है, अब हमें इसके भी कॉस्ट पता चल गई। बस अब तो सिंपल है, हम निकाल देंगे। 55 में से 53 को लेस किए कितना आया? 2। और 53 में से 50 को लेस किए तो कितना आया? 3। ये इनके बीच का रेशियो आ गया। और इसमें हमेशा एक बात याद रखना, जो इनके बीच का डिफरेंस रहेगा 55 - 50 कितना आ रहा है? 5। वो इनका हमेशा एडिशन रहेगा, 2 + 3 कितना हुआ? 5। तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, आगे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इन दोनों का डिफरेंस होता है और जो इनका एडिशन होता है वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो हमें ये तो पता नहीं है ये कितने हैं, बट इनका हम डिफरेंस तो पता कर सकते हैं ना। इनका डिफरेंस कितना आएगा? मतलब 4 में से 2 गया 2, 12 में से 7 गया 5। तो इनका डिफरेंस हमें पता चल गया 52। तो इनका एडिशन भी कितना होना चाहिए? 52। बट हमें नहीं पता यहाँ पे कैसे आएगा, बट हमें ये रेशियो गिवन है कितना है? 13। तो ये 13 की वैल्यू 52 है। ठीक है, ये इसके कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। मतलब हमें एक पार्ट की वैल्यू पता चल गई कितनी है? 4। तो वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 4 = 24, 7 × 4 = 28। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 124 से कम है, तो 124 में से हमने 24 लेस किया कितना आ गया? 100। ठीक है, और 100 में से 72 को लेस करेंगे कितना आ गया? 20। 13 से इसको कट किया कितना आया? 7। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया? 65। 13 × 5 = 65 आते 8 7 10। इसको नीचे लिखना, 13 × 5 = 65, 8 7 10 56, और 7 × 9 63। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर दें, 63 में से 56 लेस करेंगे कितना आ गया? 7। 65 में से 63 किया तो कितना आ गया? 2। 7 is to 2 हमारा आंसर। मतलब 3/10, 10 जब हमारी कॉस्ट प्राइस थी तो हमें इसमें प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 3 का। तो ये हमारे 10 क्या हो गया? सीपी। तो एसपी हमारे कितना आया? 13। ठीक है, और जो हमें 104 दे रखा है वो क्या है? सेलिंग है, मतलब हमारी एसपी तो है 104/13। और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। जिस जो भी हमें फाइंड आउट करना रहता है बस उसका हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 13 से इसको कट किया कितना आया? 13 8 टाइम्स होता है ये, into 10 80 आ गया। 72 हमारी एक टाइप की राइस की कॉस्ट थी, 84 सेकेंड वाले की थी, और जो हमने मिक्सचर रेडी किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 80। बस इसको लेस कर देंगे, 84 में से 80 को लेस किया 4 आ गया, 80 में से 72 को लेस किया कितना आ गया? 8। इनको कट कर दिया, 1:2 आंसर। गर्ल्स का एवरेज दे रखा है
और इनकी जो होल क्लास है उसका एवरेज दे रखा है, मतलब जो हमारा जो मिक्सचर है उसका एवरेज दे रखा है। बॉयज का कितना दिया है? 64, और गर्ल्स का कितना दे रखा है? 42, और जो एवरेज दे रखा है जो हमारी होल क्लास का है वो कितना है? 51। ठीक है, अब इसको रेस करेंगे, 64 में से 51 गया है, कितना आ गया? 13। और 51 में से हमने 42 को रेस किया, कितना आया? 9। नहीं। ये हमारा 9:13 का एवरेज आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं। ये हमारे बॉयज कितने हैं वो पता चल गया, गर्ल्स कितने हैं ये पता चल गया। अब एक क्लास में बॉयज है गर्ल्स है, टोटल हमें दिया हुआ है कितना है? 88 स्टूडेंट्स टोटल है, और यहाँ हमें हमें रेशियो में पता चल गया कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है। 9 और 13 कितना हो गया? 22। 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 88। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। इंटू यहाँ 4 कर देंगे, 4 × 9 = 36, इधर कर देंगे कितना आ गया? 52। 36 + 52 हो गया 88। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन में। बॉयज का एवरेज दे रखा था, गर्ल्स का एवरेज दे रखा था, और होल क्लास का एवरेज दे रखा था। ऐसे करके हमने इनके पहले बॉयज निकाले कितने हैं बॉयज, फिर गर्ल्स कितनी है ये निकाला, उसके बाद हमारे पास टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने बॉयज और गर्ल्स को ऐड किया, 22 आया। 22 की वैल्यू हमें 88 क्वेश्चन में गिवन थी, 4 टाइम्स है ये। देन हमारा अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है? अ डीलर हैज 800 kg शुगर एंड ही सेल्स अ पार्ट ऑफ इट एट 25% प्रॉफिट। एक डीलर है, उसके पास 800 kg शुगर है, उसका एक पार्ट वो 25% प्रॉफिट में सेल कर रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ इट एट 33%, और जो बची हुई है उसको 33% प्रॉफिट में सेल कर रहा है। ठीक है, ऐसा करने पे दी ओवरऑल प्रॉफिट ही अर्न इज 28%, तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 28% का। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज सोल्ड एट 33% प्रॉफिट? जो उसने 33% प्रॉफिट में सेल किया उसकी हमसे क्वांटिटी पूछी है कि कितनी क्वांटिटी उसने सेल की है 33% प्रॉफिट में। इसको सॉल्व करते, फर्स्ट पार्ट उसने कितने में सेल किया है? 25। सेकेंड वाला 33%। ठीक है, ओवरऑल उसको कितना हो रहा है? 28%। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 33 में से 28 लेस किया कितना आ गया? 5। 28 में से 25 लेस किया कितना आ गया? 3। ठीक है, अब हमें ये क्या पता चल गया, 25 वाले की क्वांटिटी कितनी है? 5, और 33 की कितनी है? 3। तो हमें टोटल पता चल गया 5 और 3 8, और जबकि उसने टोटल शुगर कितनी है उसके पास? 800 kg है, तो मतलब 8 की वैल्यू कितना? 800। अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? 25 वाले की फाइंड आउट करनी है, तो हम मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे। अगर हमें 33 की फाइंड आउट करनी है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा है? 33 वाले का, तो 33 का कितना है? 3। हमने इसका 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 से इसको कट कर दिया, 100 आ गया, तो ये कितना हो गया? 300 kg। जो उसने 33% प्रॉफिट में सेल किया वो कितनी क्वांटिटी है? 300 kg। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो मिल्क है उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? तो यहाँ मिल्क कितना था? 12 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। 12 × 5 ये कितना हो गया? 60। एक्स लीटर वो वाटर ऐड कर रहा है, तो वाटर ऐड कर रहा है, बट हमारा सॉल्ट तो कॉन्स्टेंट रहेगा। सॉल्ट हमारा यहाँ कितना है? 48। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 48। मतलब चेंजेस किस में आएंगे? हमारे वाटर में, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया है, तो ये हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, बट हमें जो रेशियो गिवन है बाद में, जो हमारा सॉल्ट और वाटर का रेशियो है वो कितना है? 6:5। तो हमारे यहाँ पे ये सॉल्ट तो हमारा पूरे में कॉन्स्टेंट चलेगा, मतलब 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 48। ये कितने टाइम्स है इसके? 8 टाइम्स, और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 5 कितना आ जाएगा? 40। ये हमारा क्या आ गया? वाटर। ठीक है, अब उसमें क्या पूछा कि कितने लीटर आपने वाटर ऐड किया है? 40 − 32 कितना आ जाएगा? 8। हमने 8 लीटर वाटर ऐड किया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है? इन अ 75 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द वाटर इज ओनली 20%, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 70%? एक 75 लीटर का मिक्सचर है, उसमें क्या है? मिल्क एंड वाटर है, उसमें क्या बोला है? 20% ओनली वाटर है, तो मिल्क कितना होगा? 80%। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर
इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 70%। हम कितने लीटर्स ऑफ वाटर्स में ऐड करें कि हमारा जो वाटर का परसेंटेज है 20 से कितना हो जाए 70%। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है लाइन बाय लाइन उतना हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसमें कितना बोला है 75 लीटर मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, क्या क्या गिवन है, मिल्क एंड वाटर। क्या बोला है 20% हमारे पास वाटर है, तो 80% हमारे पास क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, इसको कट कर लेंगे 1 और ये कितना हो गया 4, तो 4:1 में ये आ गया। तो हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है 75, इसमें हमें मिल्क कितना है वाटर कितना है अब हम फाइंड कर सकते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 5 15 आ गया ये, इसमें इंटू कर देंगे 15 का, इधर कर देंगे 15 का, इधर किया 60 आ गया, इधर किया ये आ गया 15। ठीक है, अब उसमें बोला है कि हम कितने लीटर वाटर ऐड करें जिससे हमारा जो वाटर का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब कितना हो जाए अभी 70%। तो ये 70% होगा, अगर वाटर 70% होगा तो जो हमारा मिल्क है वो कितना रहेगा 30%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी जब हम मिल्क हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा मिल्क तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, मिल्क हमारा कितना है अभी 60 है, 60 अभी रहेगा, यहाँ हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो ठीक है 30 की वैल्यू, तो मिल्क हमारा यहाँ 60 था, 60 यहाँ रहेगा, हम तो वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क तो हमारा कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए, तो हमें रेशियो क्या गिवन है 30, 30 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 60, ये कितने टाइम्स है इसके 2 टाइम्स, बस वही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 140। तो ये फाइनल हमारा मिल्क, फाइनल हमारा वाटर कितना हो गया 140। तो हमने कितना ऐड किया है, 140 माइनस 15 कर देंगे 125, हमने 125 लीटर वाटर ऐड किया तब हमारा ये 70% हुआ है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 3:2। 100 लीटर मिक्सचर दे रखा है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें गिवन है 3:2। व्हेन 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, हम क्या करते हैं उसमें से 40 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करते हैं देन विद 40 लीटर्स ऑफ अनदर मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। जो अनदर हमारे पास 40 लीटर मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें कितना गिवन है 5:3। देन क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, जो हम न्यू मिक्सचर बना रहे हैं उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एडिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस वाले की कितना हम निकाल रहे हैं। अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100 लीटर मिक्सचर, इसमें हमें मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, अब ये मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्टकट में कैसे करें। 3:2 है, इसमें इसको हमने डिवाइड किया 5 से, इसको डिवाइड किया कितना है 20, इसका 20 का इसमें मल्टीप्लाई किया 20 इसमें मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 60, ये आ गया 40। ठीक है, अब क्या बोला है 40 लीटर हमने मिक्सचर निकालना है, 40 लीटर, 40 लीटर भी हम उसी रेशियो में निकालेंगे, रेशियो तो हमारा चेंज नहीं होगा, कितना रेशियो दे रखा है 3:2, 5 से इसको कट किया कितना आया 8, 8 3 24, 8 2 16। ठीक है, तो हम ये 24 इसमें से लेस करेंगे, 16 इसमें से लेस करेंगे, तो ये कितना आ गया 10, 10 में से -4 किया 6, 5 में से 2 गया 3 और 40 में से 16 किया तो कितना आ गया 24। तो हमारे पास 100 लीटर मिक्सचर था, उसमें से हमने 40 लीटर निकालने के बाद हमारा मिल्क एंड वाटर कितना बच रहा है 36 एंड 24। अब ये पूरी प्रोसेस ना करते हुए हम सिंपल इतना करें कि ये हमारे पास 100 लीटर मिक्सचर था, मिल्क एंड वाटर का हमें रेशियो कितना गिवन है 3:2। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है कि हम 40 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, जब हम 40 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 60 लीटर बचेगा। ठीक है, तो 60 लीटर भी हमारे पास उसी रेशियो में बचेगा जितना पहले था, रेशियो तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो अभी कितना है, पहले कितना था 3:2, तो 60 को हमने 5 से डिवाइड किया कितना आया भाई 12 into 3 किया कितना है 36, 12 into 2 किया 24। ठीक है, यही हमने पूरी प्रोसेस सॉल्व करने के बाद आया था और यही हमारा सिंपल एक स्टेप में आ गया। ठीक है, रिप्लेस वाले में हमें क्या करना है,
हम पहले इसकी वैल्यू अगर हमें ये गिवन है, रेशियो दिया है, बट फिर भी हम उसको नहीं निकालेंगे, जितना हमें रिप्लेस करने को बोला है पहले हम उसको माइनस कर लेंगे, देन ये निकालेंगे। निकाल तो हम ऐसे भी सकते हैं, बट इसमें क्या प्रोसेस हमारी काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 36 24 आ गया। देन इसमें क्या बोला है, जो 40 लीटर्स ऑफ अनदर मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। जो हमारे पास अनदर मिक्सचर है 40 लीटर्स का, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 5:3। 8 से इसको कट किया, कितना टाइम्स किया, 5 टाइम्स। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 25 और ये आ गया 15। तो जो हमारे पास दूसरा 40 लीटर्स का मिक्सचर था उसमें मिल्क कितना है, 25, वाटर कितना है, 15। अब हमसे क्या पूछा है, जो न्यू मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर कितना होगा। ठीक है, पहले ये था, अभी न्यू मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले कितना था, 36 मिल्क एंड वाटर, अभी इसमें कितना है, 25। पहले कितना था, 24, अभी कितना है, 15। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 5 11, 3 2 5 6, और इधर कितना आ गया, 9, और ये आ गया 3। यहाँ हमारा आ गया न्यू मिक्सचर का मिल्क एंड वाटर। मिक्सचर एडिशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कुछ थोड़ा उसी टाइप का है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। अभी इसको देखते हैं क्या बोला है। अ कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन विच देयर इज 75% मिल्क। एक कंटेनर है उसमें मिल्क कितना है, 75%। अगर मिल्क 75% है तो 25% क्या होगा, वाटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, 26 लीटर्स आर ड्रोन ऑफ एंड देन कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। उस कंटेनर में से हमने कितना लीटर मिक्सचर निकाला, 26 लीटर। तो जितना हमने मिक्सचर निकाला उतना हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, मतलब 26 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। इफ द रेशियो बिकम्स 2:5 देन हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर होल्ड नाउ। ठीक है, उसके बाद उसका रेशियो कितना हो जाता है, 2:5। अब उसमें हमें ये बताना है कि कंटेनर में मिल्क कितना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप से, पहले क्या बोल तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क कितना है, 75%, तो वाटर कितना होगा, 25%। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे कितना है, 3:1। 25 के टेबल से कट कर दिए, 25 3 75 25 1 25। ठीक है, 3:1 हो गया। अब क्या बोला है कि हम 26 लीटर इसमें से निकाल रहे हैं, 26 लीटर हम निकालेंगे तो जो रेशियो हमारा पहले था वही अभी रहेगा, रेशियो में तो हमारे कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मतलब 3:1 ही अभी रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 26 लीटर हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, उस पर 26 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उसका रेशियो हो जाता है 2:5। ठीक है, तो 2:5 हो जाता है। उसके बाद अभी हम ये देखेंगे हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, बट हमारा मिल्क तो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ना, बट हमारा मिल्क यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये चेंज हो रहा है, तो हम इसको इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो देखते हैं कितना आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6, 2 का 1 में किया 2, 3 से किया 3 2 6, 3 5 15। अब हमारा मिल्क कॉन्स्टेंट हो गया, मिल्क सेम हो गया, हम वाटर ऐड कितना कर रहे हैं, 2 से 15 कितना हो रहा है, 13, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना है, 26 लीटर। ये इसके कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अभी मिल्क की क्वांटिटी क्या है, मिल्क अभी हमारे पास कितना है, 6, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, कितना आ जाएगा, 12। तो 12 लीटर हमारे पास क्या है, मिल्क।